नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो फेस्टिव सीजन शुरू है और मैंने बनाया आज काजू कतली, जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनकर तैयार हुआ है। और ये 2-in-1 रेसिपी है और इसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो क्यों ना रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है काजू, और इसे रख दिया है मैंने डीप फ्रीजर में। जी हाँ, क्योंकि ये जब डीप फ्रीजर में हो जाते हैं तब इसकी सारी सॉफ्टनेस जो है ख़त्म हो जाती है और ये ठंडे हो जाते हैं। ठंडा करना काजू को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिस्पी हो जाते हैं और फिर इसे पीसना भी बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब काजू पीसते हैं तो ये गर्म होते हैं और इसका तेल छूटता है, तो ये पीस नहीं पाते हैं। इस नाते इसे इतनी तरह अच्छी तरह से चिल्ड कर दिया है मैंने, और फिर इसे हम मिक्सर के जार में डालेंगे ताकि काजू का पाउडर जो है वो बहुत अच्छी तरह फाइन पीस करके तैयार हो और जल्दी से ये गर्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा ठंडा रहेंगे तो जल्दी से गर्म नहीं होंगे और ये पीस जाएंगे। तो यहाँ पल्स मोड में मैंने इस तरह से मिक्सर को चलाया है और काजू हमारा पीस करके तैयार हुआ है। तो इस तरह से ट्रिक जरूर अपनाएं काजू कतली जब भी बनाएं इसका पाउडर बनाने के लिए, नहीं तो आपके काजू जो है तेल छोड़ देंगे और फिर आपकी जो पाउडर है काजू का वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने है काजू को ठंडा करके पीस लिया है और एक छन्नी ली है, इसमें मैं इस तरह से पीस करके काजू को डालती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 बार में इस तरह से काजू को पीसूंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम काजू लिया है और इसे मैं इस तरह से पीस करके छन्नी में डालती जाऊंगी और फिर इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो जो बारीक पार्ट होंगे वो नीचे गिर जाएंगे और जो थोड़े मोटे पार्ट होंगे उन्हें एक बार अभी मैं मिक्सर में फिर चलाऊंगी पिस जाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर में मोटे पार्ट को डाल दिया है और एक बार फिर इसे चलाऊंगी मिक्सर में, ताकि इसका जो भी और पतला हो सके वो हो जाए, तो फिर इसको हम चाल करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए छान करके मैंने छन्नी से निकाल लिया है पाउडर, और जो ये बाकी बचे हैं इसे आप दोबारा भी पीस सकते हैं अगर ये काजू जो है तेल नहीं छोड़े हो तो। उसके बाद इसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जो बचे हुए भाग होते हैं, जैसे ये मोटा भाग, इसको थोड़ा सा दूध डाल करके पीस करके इसकी मिठाई में बना लूँगी, खोए में डाल करके, या फिर इसे खीर में डाल करके इस्तेमाल करूँगी, वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसे अभी हम एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे, ये जो मोटे वाले पार्ट हैं, और बाकी जो हमारे पाउडर तैयार हुए हैं उससे चलिए अब हम बनाते हैं काजू कतली। तो यहाँ पर काजू का पाउडर तैयार हो गया है और इसे अब हम नाप लेते हैं। तो यहाँ 250 ml का कप मैंने लिया है और इससे हम नापेंगे कि हमारा काजू का पाउडर पीस करके कितना तैयार हुआ है। तो ये 500 ग्राम काजू मैंने पीसा था और ये हमारा 2 कप तैयार हो गया है काजू का पाउडर, और इसी से हम नापेंगे चीनी भी। तो इस नाते मैंने इसी से नाप लिया है 2 कप काजू का पाउडर, और यहाँ पर हम काजू को 5 से 6 काजुओं को इस तरह से कट करके ले लिए हैं, और इसका यूज़ मैं बाद में बताऊँगी, इसे हम साइड में भी रखेंगे। और चीनी नापेंगे तो यहाँ पर 3/4 कप हम चीनी लेंगे इसी कप से। तो यहाँ पर 3/4 कप मैंने चीनी ले लिया है, ये देखिए यहाँ पर मेजरमेंट मैं दिखा रही हूँ आपको, अगर आपको दिख रहा है कैमरे में, तो यहाँ पर चीनी मैंने इसी कप से नाप करके ले लिया। और यहाँ पर 4 से 5 चम्मच हमें देसी घी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी मैंने रख लिया है पास में। और इतना ही पानी डालेंगे हम चीनी में जितना कि हमने चीनी लिया है, 3/4 कप ही पानी डालेंगे, और इसे घुलने देंगे चीनी को पानी में। इसे हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी और पानी घुल जाए और एक उबाल आ जाए तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे काजू कतली बनाने में। तब तक हम ग्रीस कर लेते हैं अपना ये बटर पेपर को, अच्छी तरह से घी लगा करके तैयार कर लेंगे 2 से 3 पेपर को, ताकि काजू कतली को हम जब उतारें तो इसी पर हम उतारेंगे और ये अच्छी तरह से चिपकता नहीं है, इसी पर बन जाता है बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ग्रीस हो गया है काजू कतली के लिए बटर पेपर, और यहाँ पर चीनी में थोड़ी सी इम्प्योरिटी दिख रही है, तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल करके इसके कालेपन को निकाल दिया है चम्मच, ये देखिए। तो हमारी काजू कतली बहुत ही सफ़ेद बनकर के तैयार होगी जब हम चीनी के इस तरह से गंदगी को निकाल देंगे साइड से। तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया है चीनी के जो गंदगी थी इधर किनारे से, और फिर इसमें हम डालेंगे काजू का पाउडर डाल करके धीरे धीरे चलाएंगे और इस तरह से, ताकि उन लम्स ना पड़े, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे काजू के पार्ट को डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर काजू हमारा पाउडर है तो सारा पानी काजू सोख लेगा और काजू भी इसको इसमें अच्छी तरह से फूलेगा और पकेगा भी। तो यहाँ पर फुल फ्लेम पहले मैंने किया था, अब मैं स्लो फ्लेम कर दूंगी और इसे बिना रुके हम चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर ये लग जाएंगे नीचे तले में तो फिर ये काले पड़ जाएंगे और इसका टेक्सचर और स्वाद सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इस नाते इसको चलाते रहिए कंटिन्यू इस तरह से,
और 5 से 10 मिनट हो चुके हैं चलाते हुए मुझे, और इसमें अब डालूंगी मैं देसी घी, और देसी घी डालने से बहुत स्मूथ हो जाते हैं और यहाँ पर काजू भी अपना तेल छोड़ता ही है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से एक बाइंड हो जाते हैं। तो जब तक इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से ना हो जाए कि ये आटे की लोई की तरह इकट्ठा हो जाए और पानी सूख जाए, तब तक इसे हमें इस तरह से टर्न करना ही रहना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर पेपर पर निकाल करके चेक किया है कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये जम रहा है और इसकी जो है गोली बन जा रही है। तो अभी हमें 5 मिनट और इसे पकाना है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट पका लिया है और ये कुछ इस तरह से ठीक हो चुका है, और इसे मैं 2 भाग में बांटूंगी क्योंकि मैं इसको 2-in-1 बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो काजू कतली है इसे आप इस तरह से ठंडा करके जमा सकते हैं, और मैं यहाँ पर इसको 2 भाग में बांट करके 2 कलर में इसे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधा भाग निकाल लिया है और आधे भाग को मैं अलग रखूंगी। यहाँ पर इस तरह से बटर पेपर लगा करके ठंडा करेंगे, अभी हाथ से टच नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है, और इस तरह से इसमें डाल दूंगी गरम गरम ही में फूड कलर। तो ये खाने वाला कलर है, तो आप इसे खा सकते हैं आराम से, कोई भी नुकसान नहीं करता है ये। तो यहाँ पर मैंने गुलाबी कलर फूड कलर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है इस पे। तो जैसे जैसे ठंडा होते जाएंगे वैसे वैसे ये एक साथ मिक्स होते जाएंगे और एक लोई का रूप ले लेगा। तब तक इसमें हम डाल देंगे जो काजू मैंने कट करके रखा था 5 से 6 यहाँ पे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये है इसका असली राज कि ये कैसे बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने तेल लगा लिया कलछुल में और एक साफ बटर पेपर पर इसे निकाल लिया है। तो ये देखिए जैसे जैसे ठंडा हुआ है वैसे वैसे ये एक लोई का शेप ले लिया है। तो यहाँ पर इसे मैं इस तरह से रोल करूंगी बटर पेपर की सहायता से, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसे मैंने इस तरह से रोल करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर एक चिकना सा रोल बना लूंगी मैं इस तरह से, और इसे मैं साइड में रखूंगी सेट होने के लिए। तो अभी मैं इसे आपको दिखाती हूँ जब सेट कर लेती हूँ। तब तक हम मिलेंगे दूसरा भाग काजू का, और यहाँ पर इसको मैंने बटर पेपर पर रख लिया है और इसे भी मैं इस तरह से चौकोर शेप दूंगी बटर पेपर में, थोड़ा सा घी लगा करके चारों तरफ से। तो इस तरह ये अभी थोड़ा सा चिपचिपा है क्योंकि ये गर्म है, और ये देखिए अभी ये एक साथ मिक्स हो करके ये भी एकदम चिकना सा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ठंडा करके कर लिया है, शेप दे दिया चौकोर, और इसके ऊपर अब हम रखेंगे दूसरा बटर पेपर और इसे अच्छी तरह से बेलेंगे। तो इस तरह से आप काजू कतली बना सकते हैं जो आप नॉर्मल काजू कतली बनाते हैं। इस तरह से बेलन से बेलिए चारों तरफ से घुमा के चॉपिंग बोर्ड को, और फिर ये तैयार हो जाते हैं हमारी काजू कतली जैसे कि नॉर्मल हम बनाते हैं। इस पे चांदी वर्क लगाइए और इसे डायमंड शेप में आप कट कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बेल लिया है, और ये देखिए आप इस तरह से इतने ठीक रख सकते हैं काजू कतली के लिए। तो मैं यहाँ पर इसे सेट होने दूंगी, और सेट हो जाने के बाद आधे घंटे बाद मैंने फिर इसे बेला है, और जब ये सेट हो चुका है तब इसमें मैंने ये लाल वाला रोल रख दिया है बीच में, और इसे मैं इस तरह से बटर पेपर के साथ रोल करूँगी अच्छी तरह से। तो किनारियों को भी मैंने इस तरह से मिक्स करते हुए रोल करना शुरू कर दिया था, और ये 5 से 10 मिनट में इस तरह से अच्छी तरह से रोल हो चुके हैं जब ये सेट हो जाते हैं तभी। तो जब ये बेल करके आप रखिए और सेट हो जाए तभी से आप रोल करिए, तब आपके बहुत अच्छी तरह से ये रोल तैयार हो जाएंगे। मैं इसे गोल शेप देना चाहती हूँ, लेकिन अभी ये हल्का सा गर्म है तो देखिए क्या शेप ये ले लेता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सेट कर दिया है, और इसे मैं पहली बार बना रही हूँ आपके लिए, और ये मेरा इन्वेंशन है। तो मैं इसे थोड़ा सा डर डर के बना रही हूँ कि ये कैसा उतरेगा, लेकिन अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बन करके तैयार हुआ है। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो मन में एक डर लगा रहता है कि हमारी रेसिपी कैसी बन करके उतरेगी, लेकिन हिम्मत करिए तो ये बन करके अच्छी तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने चांदी वर्क लगा दिया है, और लगा करके इसे मैं रख दूंगी सेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए, फिर मैं इसे कट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने सेट होने के लिए इसे रख दिया है, और अभी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। तो चलिए सेट हो चुका है हमारा काजू कतली, और इसे काट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सेट हो चुका है, और इसे मैं थोड़ा रोल शेप देना चाह रही थी कि ये गोल सा शेप तैयार हो, लेकिन इसने अपना ही एक शेप पकड़ लिया है इस तरह का, ये देखिए। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा कोशिश करूँगी, और ज़्यादा मैं इसे छेड़ूंगी नहीं कि कहीं ये मेरी मिठाई जो है बिगड़ ना जाए। इस नाते मैं इसे हल्के हाथों से इस तरह से रोल कर लूँगी, और देखती हूँ कि ये किस शेप में आपके सामने ये कट करके आते हैं मिठाई। तो इस तरह से रोल हमारा तैयार हो चुका है, और इसे अब मैं कट करूँगी।
तो यहाँ पर मैंने भारी चाकू ले लिया है कट करने के लिए, तो मैंने यहाँ किनारियों को कट कर लिया है, लेकिन भारी चाकू से दबाव बन रहा है इसलिए आप इसे हल्के चाकू से ही काटें, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने यहाँ पे चाकू को हटा दिया है और मैंने पतले चाकू से इसे कट करना शुरू कर दिया। तो किनारियों को हम कट करके अलग रख देंगे और इस तरह से धीरे धीरे हम बीच के भाग को इस तरह से हाथों के सहारा लगा करके कट करेंगे। इसे आप एक घंटे मैंने और सेट करने के लिए रख दिया होता तो और अच्छी तरह से कट जाता। तो मेरी यही सुझाव आपको है कि इसे 3 से 4 घंटे अच्छी तरह से रेस्ट करने दें, उसके बाद कट करें तो ये बहुत ही स्मूथ कट करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी काजू कतली इस तरह से कट रही है और मैं आपको सारे कट करके पीस को दिखाती हूँ कि ये किस तरह का शेप ले लिया है। लेकिन ये देखने में बहुत ही सुंदर बने हैं और टेस्ट में तो बहुत ही अमेजिंग है। तो इसी रेसिपी को अगर आप अपना करके बनाएंगे काजू कतली इस दिवाली पर तो 100% आपकी काजू कतली बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी और आप किसी भी शेप में किसी भी कलर में इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कट करके तैयार कर लिया है, ये देखिए। और सारी मिठाइयों को मैं इस तरह से कट करके आपको दिखाती जाऊंगी लास्ट तक कि हमारे पीसेस किस तरह से ये तैयार हुए हैं। तो मैंने इन्हें राउंड में चाहा था लेकिन ये बन गए हैं कुछ इस तरह के सेब। तो चलिए इसे अब हम कट करके तैयार कर लेते हैं सारी मिठाइयों को। और इस तरह से देखिए मैंने सारे लास्ट को भी इस तरह से कट कर लिया है, ये देखिए। तो खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे सच बताऊं, और पहले भी मैंने इसे बना रखा है इस तरह से गुलाबी कलर में जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए बहुत ही स्मूथ टूट रहा है जैसे कि काजू कतली टूटनी चाहिए। और इसे हम इस तरह से सर्व करेंगे दिवाली के मौके पर या भगवान को भोग लगाने के लिए, तो आप इस तरह से बना सकते हैं शुद्ध मिठाई घर पर। और ये बहुत ही देख करके सुंदर भी लग रहा है, तो आप भी बताइएगा कि आपको देख करके ये मिठाई कैसी लगी। तो आप अपने अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपने इस तरह की काजू कतली खाई है पहले दो कलर की, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा अपने अनुभव। और यहाँ पर मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट टूट रही है जैसे कि काजू कतली होती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो इसे फटाफट से फिनिश करते हैं। तो देखा आपने बन गई है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग काजू कतली की ये नई रेसिपी। तो जरूर ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।